हाँ जी सुनाइए। हमारा पड़ोसी देश बिल्कुल एक रूठी हुई लुगाई की तरह है, जिसे कितना भी प्यार जता लो, कितना भी मना लो, पर मानने को तैयार नहीं होती है। वैसे ही है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। इनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी मना लो, फिर भी कुछ लोग रूठी हुई लुगाई की तरह जहर उगलते ही रहते हैं। और इंडिया का नाम सुनकर के इनके दिमाग में क्या आता है, आइए इन्हीं के मुँह से सुनते हैं। कुत्ते की शक्ल याद आती है। वो क्यों? इंडिया एक शेर ही कुत्ते वाला। बेटा लगता है जिस दिन से तू पैदा हुआ है ना, तूने आईना ही नहीं देखा है। देखा होता तो पता चल जाता कि तू तो कुत्ते से भी कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी शक्ल तो कुत्ते से भी बदतर है। और कुत्ता भी तेरे आगे रणबीर कपूर लगेगा। और रही बात शेर की, तो तेरी गलती नहीं है, क्योंकि तुझे शेरों के नाम पर कुत्ते ही दिखाए गए ना, तो ये तो होना ही था। ये तो होगा। कुत्ते का शक्ल है ना मोदी, मोदी की शक्ल कुत्ते जैसी बनती है। मोदी की शक्ल कुत्ते जैसी है, वो क्यों? ऐसे वो कुत्तों वाली हरकतें ही करता। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मोदी जी ने इसके अब्बाओं के ऊपर बम गिरवा दिए थे ना एयर स्ट्राइक में, तो इसी बात का दर्द है बेचारे को। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। के मुसलमानों की रेस्पेक्ट करें, वहाँ मुसलमानों को इज्जत नहीं दी जाती। वो इंडिया में मुसलमानों के साथ जो सुलूक किया जाता है। अबे तेरे को किसने बोला इज्जत नहीं मिलती? अबे जन्नत दिलाने वाले आकाओं ने। अबे जितनी इज्जत इंडिया में मिलती है ना, उतनी तुम्हें तुम्हारे देश में नहीं मिलती होगी। औरतों की इज्जत नहीं की जाती। जैसे अभी वो लड़की क्या नाम था हमारा, जिसको टेक कॉलेज में गलत किया गया उसके साथ। ये क्या है? अरे मियाँ लगता है धूप बत्ती के धुएं का नशा चल रहा है और तुम पे झेल नहीं पा रहा है, तभी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो। और रही बात उस लड़की की, क्या नाम था हमारा, तो हमें क्या पता हमारा आ रही है बुरखा पहन कर पेपर देने या हाथी मारा है बम फोड़ने। मेरे लिए ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में पहली बात क्या आती है? पहली बात ये आती है उसको तबाह करते हैं, वो हमारे मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। जो खुद पूरी तरह तबाह है वो तबाही की बात कर रहा है, वो भी इंडिया की। अबे तुम अपने खाने पे ध्यान दो ना साला, खाना खरीदने में तो तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी चली जा रही है, और बात कर रही हो इंडिया को तबाह करने की। और जिनके घर शीशे के हुआ करते हैं ना, वो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते। और तुम्हारे घर तो शीशे के भी नहीं है, पिन्नी के हैं, क्योंकि जैसे तुम्हारे हालात चल रहे हैं ना, शीशे खरीदने के पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास। और दूसरी बात के ये आती है, मकबूला कश्मीर को हम आज़ाद करा लें, मगर हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों में इतनी ताकत नहीं है जो उसको आज़ाद कराएं। कैसे आज़ाद कराएगा? पान खाकर। कश्मीर का ख्वाब देखना कब बंद करोगे तुम लोग? जितना तुम्हारे पास है उसको तो बर्बाद कर रखा है, और जितना तुम्हारे पास है पहले उसको तो बेहतर बना लो। और कश्मीर को तुम्हारे जैसे सोच वाले लोगों से आज़ादी चाहिए, ना कि हमसे। बात तो सही है। पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर है, उससे तो गैर मजहब है, लेकिन वो रकबे के हिसाब से चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ताकत के हिसाब से पाकिस्तान से ज्यादा नहीं है इंशाल्लाह। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अच्छा कौन सी दुनिया से आए हो? ये कौन सा यूनिवर्स है जहाँ पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा ताकतवर है? तुम्हारा नाम तक तो जानते नहीं है बाहर देश के लोग। बाहर देश के लोग पाकिस्तान को जानते हैं इंडिया के पड़ोसी देश के नाम से। तुम्हारा नाम क्या है? अली, अली अब्दुल। देश कौन सा है तुम्हारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान ये कहाँ है? इंडिया के बाजू में, इंडिया के बाजू में। एटमिक पावर वो भी है और हम भी है, न्यूक्लियर पावर। जो एटम हमारा है वो उसका नहीं है। ये तो साला वही बात होगी कि तुम्हारा गोबर गाजर का हलवा और हमारी रबड़ी घोड़े की लीद। तुम्हारा एटम एटम, हमारा एटम कुछ नहीं। तोड़ता डाकुता टोमी, साडा कुत्ता कुत्ता। उनके एटम में ये पावर नहीं, नहीं नहीं, उनके एटम में ये पावर नहीं है। उनके एटम में क्या चीज है? उनके एटम में ये है कि जैसे राख हो जाती है ना बुस, ऐसे जैसे कोई पटाखा हमने मारा वो बस हो जाता है, उसमें ताकत नहीं होती। मतलब आप कहना चाह रहे हैं हमारे पास एटम है, उनके पास पटाखा है? पटाखा उनके पास। यही है भाई आर्मी का चीफ, इसी के सामने सब कुछ हुआ है, सारे के सारे परीक्षण इसी के सामने तो हुए हैं, सब कुछ देख रखा है इस चचा ने। और ये चचा खुद एटम बम में आग लगा के आया था भाई। ऐसी सोच क्यों है आपकी कि आप कह रहे हैं कि उनको तबाही कर दें? अब मुल्क तबाह करेंगे तो वहाँ तो लोग भी रहते हैं ना, इंसान रहते हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान को अगर कत्ल कर दे तो फिर तो आपको पता है यार, ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए जो वहाँ के अपना मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। यार ये पाकिस्तान में कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है जिसमें लिखा है कि इंडिया मुसलमानों पर जुलम हो रहा है? और ये कौन सा जुलम है जो सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नजर आ रहा है? कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में पहली बात क्या आती है? पहली बात ये आती है कि सबसे पहले ना कुछ भी नहीं करूँ, जाके पेशाब करूँ वहाँ। इसने एकदम सही बोला, इंडिया का नाम सुनकर पेशाब निकल जाता है, क्योंकि बाप का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाता है, और पेशाब ही नहीं टट्टी भी निकल जाती है। तो आप पाकिस्तान में नहीं करते हैं पेशाब? तुम लोग जानते ही हो भाई कि पाकिस्तान कितने कर्जे में चल रहा है, टॉयलेट बनवाने के पैसे नहीं है भाई उनके पास। पर चिंता ना करें, अगर इंडिया के लोग एक एक रुपये भी देंगे ना तो पूरे पाकिस्तान में टॉयलेट बन जाएंगे।
अच्छा कबीर, ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में पहली बात क्या आती है? जलाना, इनको जला दें जल्दी से, ये बहुत गंदी चीज रही है। इनको कैसे जलाएंगे? माचिस से। अरे बेटा, माचिस खरीदने का पैसा है क्या तेरे पास? जिस हिसाब से तुम्हारी आर्थिक स्थिति चल रही है ना, माचिस खरीदने में ही तेरा पूरा घर चला जाएगा। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। मेरे को तो बहुत तरस आ रहा है इस लौंडे पर। बेचारा मनगढ़ंत सपने को सच मान रहा है। सात जन्म ले लेगा ना, तब भी ये सपना सपना ही रहेगा, सच नहीं कर पाएगा इसको कभी। औकात मेरे। कोई पैगाम दे दें उधर की सरकार के लिए। सरकार के लिए तो एक ही पैगाम है, पाकिस्तान से जब भी लड़ने आएगा मुंह के बल गिर के जाएगा। अरे उत्ताऊ, तुझसे बोला तो जान ही रहा है, मुंह के बल तो तब गिराएगा। बोलने में तो तेरी इतनी फट रही है और इंडिया का नाम सुनते ही तेरी जुबान लड़खड़ा रही है। पाकिस्तान से जब भी लड़ने आएगा मुंह के बल गिर के जाएगा। उताऊ रहन दे, वरना गले की नस फट जाएगी। इंडिया की फिल्में देखते हैं? नहीं। कोई गाने सुनते हैं? नहीं। शाहरुख खान कैसा लगता है? सही है। बस सही। और सलमान खान? वो भी सही है। वाह बेटे वाह, जब तू इंडिया की फिल्में नहीं देखता, गाने नहीं सुनता, तो शाहरुख सलमान के बारे में कहां से पता किया? आसमानी किताब से? वैसे इससे सवाल जवाब करने में तो मजा आएगा, तो आइए इससे कुछ और सवाल जवाब पूछते हैं। बाप का नाम पता है? नहीं। पत्थर चलाना कैसा लगता है? सही है। बम बनाना कैसा लगता है? वो भी सही है। आदमी हो? नहीं। इंसान हो? नहीं। जिंदा तो हो ना? नहीं। लिया जाने नहीं सकते हम, बुलाते नहीं है, वो बंद कर देते हैं, वीजा बंद कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे अरे भाई साहब, इतना दर्द तुम क्या करोगे भाई इंडिया आकर? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, अपने से छोटे देश में क्यों ही जाना भाई तुम्हें? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, अपने देश में मजे लो, खुश रहो। और अगर ऐसी सोच रखोगे तो वीजा तो छोड़ो, हम तुम्हें बस का टिकट ना दें। अच्छा। पर देखो यार, सभी पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग समझदार भी होते हैं जो इंडिया के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं। ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान ज्यादा पावरफुल मुल्क है या इंडिया? इंडिया और राष्ट्र पाकिस्तान का, पाकिस्तान तब है पाकिस्तान, इंडिया ही पाकिस्तान पावरफुल। पाकिस्तान में महंगाई इतनी होगी तबाही, बर्बादी कर दी पाकिस्तान का। भाई पाकिस्तान में ज्यादा महंगाई है, वहाँ मेरे मामे नाने रहते हो, वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पाकिस्तान में तो आग बरस रही है, वहाँ 50 रुपए किलो है, यहाँ 100 रुपए किलो है। क्या 50 रुपए किलो? चीनी आटा यहाँ पे क्या किलो 80 रुपए किलो है, वहाँ 40 रुपए किलो है, यहाँ तो लूटने के लिए बैठो है। और केला? केला केला तो इसको खिला दो। देखो यार, इंडिया का कंपटीशन कभी पाकिस्तान से था ही नहीं, ना है और ना रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बराबरी वालों के साथ होता है, जो कि ये कभी कर नहीं सकते। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो बस यारो, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। पापा है, पापा है, पापा है, हम तेरा पापा है, पापा है, पापा है, हम तेरा पापा है।